Hey, I hope you all are doing well. How's you all? तो आज हम आए हैं, हम आज जो सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स का पार्ट टू कंटिन्यू करेंगे. पार्ट वन ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है. हियर इट इज पार्ट टू, ठीक है. इस बार हम नेशनल क्वेश्चंस, नेशनल करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं. Alright, so here the first question is, who chaired the National SC/ST Hub Conclave? Is it Rajnath Singh, Narendra Modi, Bhanu Pratap Singh Verma or Amit Shah? So the answer is very simple, Bhanu Pratap Singh Verma. और ये हुआ कहाँ था? ये आपका हुआ था चुरचांदपुर. I'm sorry अगर pronunciation इसका गलत आ रहा है. मणिपुर mainly आपको ये ऐसे ही ध्यान रखना है. अगर ऑप्शन में है तो आप टिक कर सकें. ये कौन है? ये है मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, इंडिया है. ऑलराइट, ठीक है. इससे रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, यह आप अपने पॉइंट्स में नोट करिएगा. कौन है यूनियन हेल्थ में? डॉक्टर मनसुख मांडवीय. ऑलराइट, इन्होंने एक वर्चुअली इनॉग्रेट किया है. ये ध्यान रखना है, वर्चुअली. वर्चुअली मतलब होता है कि ऑनलाइन, ठीक है. वर्चुअली इनॉग्रेट किया है स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव. स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव. इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है, आप बस इतना याद रखिए, ये रिलेटेड है ऑर्गन डोनेशन से. ये जन भागीदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए ऑर्गन डोनेशन के लिए. तो आपको क्या याद रखना है? पहले तो ये इतना कि नेशनल एस सी एस टी एफ कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? चुरचांदपुर मणिपुर. किसने इनोग्रेट किया? भानु प्रताप सिंह जी ने, ठीक है. सेकेंड आपका था यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवीय जी ने वर्चुअली इनोग्रेट किया है एक स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव. किस लिए है वो? ऑर्गन डोनेशन के लिए है. और क्या चाहता है? कि ज़्यादा से ज़्यादा जनभागीदारी हो उसमें. ऑलराइट, सो हियर इट इज नेशनल एस सी एस टी एफ कॉन्क्लेव, भानु प्रताप सिंह वर्मा जयस्त एट चुरचांदपुर मणिपुर. ऑलराइट, सो हियर इज द सेकेंड क्वेश्चन. What is Deen Dayal Antyodaya Yojana? National Rural Livelihoods Mission, Smart Cities Mission, National Skill Development Mission, National Digital Mission, Digital India Mission. So the answer is National Rural Livelihoods Mission. ठीक है. इस दीन दयाल अंत्योदय योजना, हाँ, मेन मैं आपको बताऊँ कि every year सितंबर मंथ एक राष्ट्रीय पोषक माह, राष्ट्रीय पोषक माह के तौर पे मनाया जाता है. राष्ट्रीय पोषक माह को आप इंग्लिश में बोल रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशनल डे. सॉरी, मंथ हुआ ना, माह है, मंथ. ऑलराइट, ठीक है. और ऐसी हम एक और चीज़ करते हैं, जैसे हर साल सितंबर महीने में मनाया जाता है, ऐसी हमारा शिक्षक पर्व. ये आपका वो टीचर्स डे राधा कृष्ण जी से अलग है. शिक्षक पर्व ये आपका एडुकेशन पॉलिसी है जो इंडिया की, नेशनल एडुकेशन पॉलिसी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसे आगे बढ़ाने के लिए,
ये शिक्षक पर मनाया जाता है। ऑब्वियसली ये तो पता होगा ये किसके लिए होता है, ये टीचर्स के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु लेड फाउंडेशन ऑफ चूनर लॉजिस्टिक, इम्पोर्टेंट हो जाता है, चूनर लॉजिस्टिक्स पार्क, सॉरी, हाँ चूनर लॉजिस्टिक पार्क इन मिर्जापुर यूपी। मिर्जापुर से आपको उसकी वेब सीरीज याद आती होगी, उसमें क्या था, एक कालीन भैया थे, कालीन भैया थे, उसी से रिलेटेड ये है। बस भैया नहीं, यहाँ कालीन, कारपेट, कारपेट बिजनेस और हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये चूनर लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हुई है। किसने करी है, ये करी है श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने। ठीक है, इनका मेन मोटिव यही है कि बूस्ट हो जो यहाँ का लोकल कारपेट बिजनेस है, कारपेट बिजनेस और हैंडीक्राफ्ट जो है यहाँ का, कारपेट बिजनेस एंड हैंडीक्राफ्ट बिजनेस जो भी है, वो यहाँ का बूस्ट मिले इसको। ठीक है, अनुप्रिया पटेल जी है कौन, ये मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हियर इट इज, पूर्वांचल के उद्यमियों एवं किसानों को मिलेगा लॉजिस्टिक पार्क का लाभ, अनुप्रिया पटेल जी। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल PIB की वेबसाइट से न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड द मंथन कॉन्फ्रेंस कम पब्लिक एक्सपो। नितिन गडकरी जी ने ये किया है, ये भी पता होगा आपको, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है। तो एक्चुअली ये मंथन कॉन्फ्रेंस एक 3 डे कॉन्फ्रेंस थी, 3 डे कॉन्फ्रेंस थी, ऑलराइट। इसका थीम क्या था, पहले आप ये भी लिख लीजिए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह से है। ठीक है, इसका थीम, इसका थीम, थीम क्या था, आइडियाज, थीम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइडियाज टू एक्शन, ऑलराइट। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी, 3 डे, ऑलराइट, बेंगलुरु। एक और चीज थी, क्या था, हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कर्तव्य पथ की स्थापना करी है। ठीक है, कहाँ, यही दिल्ली इंडिया गेट के पास, कर्तव्य पथ। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक नई मूर्ति भी अनवील करी है, स्टैचू अनवील्ड। ठीक है, याद रखना है आपको, किसने किया है, PM ने, कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च द सेतु इन फ्रांसिस फ्रांसिस्को, व्हाट आई सेड, सॉरी, हु हैज लॉन्च सेतु इन सैन फ्रांसिस्को। ये राम सेतु वाला राम सेतु नहीं है, इसकी एक प्रॉपर फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, नोट करिएगा, इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम, ऑलराइट। किसने लॉन्च किया ये, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, हमेशा, ये पीयूष गोयल। तो ये पीयूष गोयल जी ने किया है। ठीक है, इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव ये था कि इंडिया में US बेस्ड इन्वेस्टर्स को जगह देना, जिससे US बेस्ड इन्वेस्टर आए और इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। ठीक है, स्टार्टअप खोले अपना इंडिया में, स्टार्टअप्स इन इंडिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, सो हियर इट इज, श्री पीयूष गोयल लॉन्चेस US स्टार्टअप सेतु, मतलब वही बाकी का। ठीक है,
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज कलाम नो कार्निवल बुक फेयर रिसेंटली सीन इन न्यूज वॉज ऑर्गेनाइज बाई नव भारत साहित्य मंदिर इन। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इनॉग्रेट किसने किया था, इनॉग्रेटेड बाय RPM नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की बात याद आती है तो आपको एक ही आंसर दिखेगा, अहमदाबाद। ठीक है, बट ये यहाँ गए नहीं थे, इन्होंने ये वीडियो मैसेज के थ्रू किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो ये था आपका बुक फेयर। कैबिनेट अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ MOU, एक MOU याद करिए, पिछले पिछले पार्ट में बात करी थी, वो था आपका इंडियन नेवी और AUUP मतलब MIT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के बीच में। इस बार का दूसरा है, इस बार का क्या है, इंडिया और किस कंट्री में हुआ था एडुकेशन के फील्ड में। लेट मी इज दिस, एक बार पिछला पार्ट भी देख लीजिएगा, इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ है एडुकेशन के फील्ड में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ज्यादा मेन नहीं है, ज्यादा बस यही है, एक बार इस पूरे को पढ़ लिया करिए, इस पूरे को विद द ऑप्शन, बिकॉज ऑप्शन यहाँ ज्यादा मैटर इसलिए नहीं करता कि ये क्वेश्चन की तरह डिजाइन किया है करेंट अफेयर, तो इसमें ईच एंड एवरीथिंग जानना जरूरी है आपका। ठीक है, मे बी क्वेश्चन में आ जाए इंडिया और UAE के बीच में हुआ है किस फील्ड में हुआ है, एडुकेशन के फील्ड में हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, MOU की फुल फॉर्म में याद रखनी है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके क्वेश्चंस काफी आएंगे, आगे भी आएंगे। ठीक है, सो हियर द क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन वर्ल्ड द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम इज लोकेटेड इन। सो ये जो फोटो है ये उसी की है, एक सेकेंड, इट इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन वर्ल्ड। ठीक है, सो ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये तो ऑलमोस्ट सब लोग ही कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये था, हु लॉन्च द प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान टू रीइनवैगोरेटेड द मिशन ऑफ TB एलिमिनेशन फ्रॉम द कंट्री बाय 2025 तक, TB खत्म करने के लिए TB मुक्त अभियान, प्रधानमंत्री TB मुक्त अभियान किसने लॉन्च किया। मेजॉरिटी अब PM है तो नरेंद्र मोदी को टिक लगाएगी, बट ये नहीं है, द आंसर इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इन्होंने किया है। TB मुक्त भारत इज आर कमिटमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, ऑन विच डेट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज थर्ड इंटरनेशनल डे। लेट मी मार्क इट, ऑन विच डे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज एज स्वच्छ वायु दिवस। मैं आपको समझा दूं, किस तारीख को यूनियन मिनिस्ट्री जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की है, उन्होंने थर्ड इंटरनेशनल डे साफ हवा, क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, स्वच्छ वायु दिवस के नाम पे मनाया, मतलब कि नीला आसमान, साफ हवाएं, इससे रिलेटेड एक स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है, कौन सी तारीख को मनाया गया है। ठीक है, ये आपका सबसे पहले, ओ शिट, लगता है ऑप्शंस गलत हो गए, ये आपके ऑप्शंस तो है नहीं, तो ये तो ऐसे ही बताना पड़ेगा। ये आपका मनाया गया था 7th of September 2022। ऑलराइट, NCAP की फुल फॉर्म क्या होती है, NCAP की फुल फॉर्म होती है नेशनल
याद रखिएगा, क्लीन एयर प्रोग्राम। ऑलराइट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस स्वच्छ वायु दिवस ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, हु इनॉग्रेटेड सी जी एच एस वेलनेस सेंटर। सी जी एच एस की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अब जैसे कि बात यहाँ पे सेंट्रल की आ गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडवी है, इन्होंने इनॉग्रेट किया। कहाँ इनॉग्रेट किया है? इन सिलचर। ठीक है, आई होप समझ में आया। एक और मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक इन्होंने लॉन्च किया है NLEM। इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिंस 2022। ठीक है, यहाँ से ये सिलचर तक आपका पिछला वाला था, ये यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है NLEM। क्या है? नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिंस 2022। ऑलराइट, आगे पढ़े। ठीक है, CGHS वेलनेस सेंटर, डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ SPMCIL? सो द फुल फॉर्म इज सिंपल, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन, और यू में से कॉर्पोरेशन, जस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज इन्होंने नई दिल्ली के लाजपत नगर में अमर कॉलोनी में एक ब्लाइंड स्कूल है, अमर कॉलोनी में एक ब्लाइंड स्कूल है, वहां पे उनको एक इको वैन गिफ्ट करी है, इको वैन गिफ्ट करी है। ऑलराइट, ठीक। आई एम सॉरी इफ देर इज प्रॉब्लम इन ऑडियो बिकॉज इधर आस पड़ोस की आवाज ज्यादा आती है। सो मेन इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए आप कि SPMCIL की फुल फॉर्म आपको एक बार देखनी है, रटनी नहीं है। एंड सेकेंड इज, क्यों वो थे? क्योंकि इन्होंने लाजपत नगर अमर कॉलोनी में एक ब्लाइंड स्कूल में इको वैन दी थी। सो हियर इट इज, हाँ, ओके। इको वैन प्रोवाइडेड अंडर CSR इनिशिएटिव्स ऑफ SPMCIL। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली श्री सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ NISR, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिकपेन, वेयर इट इज लोकेटेड। सो इट इज लोकेटेड इन ले, और ये किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट जो ऐसे नहीं ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड एंड लिविंग मेडिकल। वैसे इतना ज्यादा नहीं है आपको ध्यान में रखने के लिए, इन्फॉर्मेशन है जिससे आप ध्यान में रख सकें।
लिविंग मेडिकल ट्रेडिशंस ऑफ वर्ल्ड से रिलेटेड है, ऑफ वर्ल्ड। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इट इज सब आपका सर्बानंद सोनोवाल दिखपेन ले में नए इंस्टीट्यूट इसलिए खोला है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्री रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट रिलीज द अरेबिक वर्जन ऑफ मजमा उल बहरेन ऑफ विच मुगल प्रिंस। सो सबसे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे, आई होप सबको पता हो। प्रेसिडेंट तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है आपके दीप धनकर, सॉरी सॉरी जगदीप धनकर। ऑलराइट, तो इन्होंने किस मुगल प्रिंस के अरेबिक वर्जन में मजमा उल बहरेन रिलीज करी है। सो वो है दारा शिको, बाकी तो आप जानते होंगे खुर्रम शाहजहां का दूसरा नाम था जहांगीर आपके अकबर के बेटे थे एंड कामरान हुमायूं के ब्रदर थे, ठीक है। दारा शिको, दारा शिको को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो भी दी जाती है, लाइक उन्हें टच बियरर ऑफ, दारा शिको को टच बियरर ऑफ सोशल हार्मनी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। आ सकता है टच बियरर ऑफ सोशल हार्मनी किसे कहा जाता है, दारा शिको जी को। ओके सो हाँ यहाँ पैसा दिया है, हाँ ये देखिए यहीं लिखा है वाइस प्रेसिडेंट कॉल दारा शिको एस टच बेयरर ऑफ सोशल हार्मनी, और उन्होंने मजमा उल बहरेन उनकी उसका अरेबिक वर्जन रिलीज किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हाट्स द गोल ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो इसका साफ मिशन ये शायद एग्जाम में ना आए बट जानना जरूरी है, पर इससे रिलेटेड चीजें जो ये हैं ये आ सकती है। इसका मिशन क्या था बेसिकली, गार्बेज फ्री सिटी और अ सिटी कंप्लीटली फ्री ऑफ गार्बेज, फ्री ऑफ गार्बेज। ऑलराइट, ये इसका एक्चुअली मिशन था, और जो आप ये देख रहे हैं इंडियन स्वच्छता लीग, ये एक इंटर आप क्या बोल सकते हैं इसे, इंटर सिटी बोल सकते हैं, इंटर सिटी एक क्लीनलीनेस कंपटीशन था, मतलब यही साफ सफाई को आगे बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था, ठीक है। और ये स्वच्छ अमृत महोत्सव, स्वच्छ अमृत महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस करी। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसका गोल ये है गार्बेज फ्री सिटी, स्वच्छ इंडियन स्वच्छता लीग इंटर सिटी क्लीनलीनेस कंपटीशन है, और स्वच्छ अमृत महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिलीज कर आई मीन टू से लॉन्च कर रही है, जैसे कि इसमें डेट डली है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के लिए, ठीक है। एक और ये चीज हुई थी, ये आपका है लॉन्गेस्ट कोस्ट क्लीन अप कैंपेन, ये भी एक बार आप नोट कर लीजिएगा अपने, इसका एक हैशटैग भी था, क्या तो था हैशटैग स्वच्छ, शायद इसमें दिया हो, नहीं दिया, चलो मैं बता दे रहा हूँ स्वच्छ ओ क्या था, हाँ स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, राइट स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। एक
एक सेकेंड रुकिए, कैसे चार्ज पे लगा दो। सो हियर लॉन्गेस्ट कोस्ट क्लीन अप कैंपेन आपका क्या था? स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर। तो ये हुआ कहाँ था? ये जो आप देख रहे हैं ये है जुहू बीच मुंबई, यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, यहाँ पे काफी सिविल सोसाइटीज के लोगों ने और बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, बस इतना काफी है जानने के लिए, आगे बढ़ते हैं। हु इनोग्रेटेड इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF, WDS, मतलब इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट किसने इनोग्रेट किया? कहाँ पे इनोग्रेट हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा। और इसको ना, एक सेकेंड, सॉरी, जो ये है इसको आप क्लीन अप कैंपेन को एक और नाम से याद कर सकते हैं, याद क्या मतलब देख लीजिए बस, क्लेनाथॉन, जैसे मैराथन होता है, तो क्लेनाथॉन नाम दिया गया था, क्लेनाथॉन कैंपेन। ठीक है, हाँ, तो ये किसने किया था? हु इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट, कहाँ पे? इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट, ग्रेटर नोएडा। ये किया था नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, और नरेंद्र मोदी ने एक और चीज करी है, करी नहीं है एक्चुअली, इनको एक इन्होंने ट्वीट किया था, हेमकोश, हेमकोश जो एक बुक है, इसको एसएमईज डिक्शनरी भी बोलते हैं, डिक्शनरी, इसकी एक ब्रेल कॉपी रिसीव करी थी। ठीक है, ये ब्रेल कॉपी रिसीव करी थी। सो हियर इट इज, ग्लैड टू हैव रिसीव द हेमकोश विच। तो ये द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खादी इंडिया ऑर्गेनाइज्ड एन एग्जीबिशन ऑफ अ फैशन शो अहेली खादी इन, अहेली खादी इन, ये आपका एक खादी इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया था बेसिकली, कहाँ कराया था? खादी इंडिया से आप ये बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, गांधीनगर पे। और इसके साथ एक और चीज ध्यान रखिए, अमित शाह, अमित शाह को क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने एक स्थापित किया है लेड फाउंडेशन स्टोन, किसका? क्रिप्को हजारे का। हजारिका बायो एथेनॉल, प्रोजेक्ट आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली आप। हाँ, और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी भी फुल फॉर्म आ जाती है क्रिप्को की, तो ये है आपका कृषि, कृषक, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड। यह है कहाँ पे? यह है आपका सूरत, गुजरात में। तो बेसिकली मेरे को जो चीज़ें और भी दिमाग में आती जा रही है, मैं आपको बता जा रहा हूँ, एक तो खादी इंडिया ने और फैशन शो ऑर्गेनाइज कराया था, अहली खादी कहाँ पे? गांधीनगर में कराया था वो, और अमित शाह ने स्थापना करी है क्रिप्को हजारे का बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट की, कहाँ पे करी है? सूरत, गुजरात।
और क्रिप्को का फुल फॉर्म क्या है, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, तो यह है पीआईबी का कि अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनक एंड एनएलईपीसी। चलेगा सर, दौड़ेगा। सो मनक और एनएलईपीसी क्या है ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। तो एनएलईपीसी बेसिकली एक नेशनल लेवल एग्जीबिशन, मैं चाहता तो ये पहले ही दे सकता था क्वेश्चन में ही ये फुल फॉर्म लिख के, बट फिर ध्यान नहीं देते आप लोग इतना। एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन, ये जो कंपटीशन या एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ है ये हुआ है मनक के अंदर, अंडर मतलब मिलियन माइंड्स। डबल एम है, कंफ्यूज मत होइएगा, माइंड्स इसी के अंडर में आ जाएगा, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। और एक तो ये जो मनक है, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज, इसके अंडर में नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन का 9th एडिशन हुआ। कहाँ पे हुआ? ITPO दिल्ली, ITPO दिल्ली। ऑल राइट, ठीक है। एक आपका वो और था अंगन 2022, इसका भी मतलब फुल फॉर्म तो आपको देखनी पड़ेगी, इसमें तो कुछ ट्रिक नहीं लगा सकते। ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल अफोर्डेबल लिखा है, ठीक है, ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। रिसेंटली इस अंगन 2022 का सेकंड एडिशन हुआ था और इसका टाइटल था मेकिंग द जीरो कार्बन, ये है ना, सॉरी सॉरी सादा जूम हो गया। मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव था बेसिकली, कार्बन पोल्यूशन कम करने के लिए, कार्बन का यूज कम करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली नीति आयोग सेलिब्रेटेड विच एनिवर्सरी ऑफ शून्य कैंपेन। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी इन्होंने सेलिब्रेट करी है। ये भी पोल्यूशन से आपका रिलेटेड है, जीरो पोल्यूशन से, ठीक है। और आपको यहाँ क्या याद रखने की चीज़ है, यहाँ आपको याद रखने की चीज़ है नीति आयोग और शून्य कैंपेन और फर्स्ट ईयर का, ठीक है। नीति आयोग ने शून्य कैंपेन का फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, ठीक है, सॉरी। हम्म,
विच सिटी हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड 2022 एंड 23 एट द 22nd मीटिंग ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको सबको पता है समरकंद में हुई थी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी उज़्बेकिस्तान में। तो यहाँ पे किस सिटी को नॉमिनेट किया है, बेसिकली इंडिया की ही किसी सिटी को किया है, बट इंडिया के किस सिटी को नॉमिनेट किया है द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। तो ये आपकी वाराणसी को किया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा SCO टूरिज्म कल्चरल कैपिटल वाराणसी को किया है। कहाँ हुआ था इस बार का, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, 22nd मीटिंग थी। और मैं आपको बता दूँ 23rd मतलब अगला वाला नेक्स्ट SCO इंडिया होस्ट करेगा, SCO इंडिया, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कृतज्ञ, कृतज्ञ 3.0, इसकी भी आपको फुल फॉर्म तो भाई, पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें। वेट अ सेकंड, अच्छा सा कलर है ये वाला कलर, देखते हैं। कृषि, कृषि, त से तकनीक, ज्ञा से क्या, ज्ञान, कृषि तकनीक ज्ञान। और ये एक कृतज्ञ 3.0 एक नेशनल लेवल हैकाथॉन है। किस वजह से है, रीजन क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। किसने किया है, ICAR के द्वारा ये कृतज्ञ 3.0 किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ स्केल, इस बार सॉरी आप लोग डर गए होंगे इतने सारे फुल फॉर्म सीख देख के, बट आई होप अगली बार से क्या ये आपको करना था पड़ेगा भाई। स्केल बेसिकली एक आपका ऐप है और इसकी फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। तो स्किल ऐप किस लिए है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि लेदर से रिलेटेड है, ठीक है। और बेसिकली इसका मोटिव है स्किल डेवलपमेंट का, और पर्टिकुलरली स्किल डेवलपमेंट इन पर्टिकुलरली बात करें अगर, तो ये लेदर सेक्टर में। और जो ये सब करवाते हैं सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके कहाँ पे हैं, ये आपके हैं चेन्नई में। इसका भी देख लीजिए CLRI कहाँ है, चेन्नई में, ठीक है। आगे चलते हैं, अच्छा यहीं तक था स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आपका आता है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में हु वॉन बोथ डच एंड इटालियन F1 ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन, एस्पेरेज और रसेल, सब ने सुना हुआ है। तो ये आपके मैक्स वर्स्टैपेन ने डच और इटालियन F1 ग्रैंड प्रिक्स दोनों जीती है, ऑल राइट, ठीक है। ये एक बेसिकली कार रेसिंग का होता है, सुपर कार रेसिंग का। एक हमारे इंडिया से भी रिलेटेड है, वो है मोटो GP रेसिंग, ये इंडिया होस्ट करेगी, इंडिया होस्ट 2023 मोटो GP रेसिंग को, याद रखिएगा।
ये सॉरी ये मैक्स वर्स्टैपेन है। राइट, तो सेकंड क्वेश्चन हियर इज द साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट एवर एमटीबी एलिमिनेटिव वर्ल्ड कप इन एसोसिएशन विद। लद्दाख पुलिस, कहाँ होना है? इन लेह, लेह में होना है। ये जो है ये साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने करवाया है जो फर्स्ट एवर एमटीबी एलिमिनेटिव वर्ल्ड कप, ये लेह में हुआ। किस और ये किसके एसोसिएशन से हुआ है? लद्दाख पुलिस के एसोसिएशन से हुआ है। और राइट, मेनली सिटी पूछ लेगा आपसे ये। हु हैव वॉन द SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल इन कोलंबो? कोलंबो किसकी कैपिटल है बताइए? कोलंबो कैपिटल है श्रीलंका। और राइट, हाँ, SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप किसने जीता है? सबको पता है किसने जीता है। इंडिया ने और किसको हराया था? डिफीटेड नेपाल। एक विमेन में भी होता है SAFF विमेन, ये किसने जीता है? ये बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश ने किसको हराया है? इन्होंने भी नेपाल को हराया है। ये बेसिकली ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? ये चलते हैं। तो ये था, इंडिया ने नाम रोशन किया यहाँ पे, ठीक है? हु वॉन सिल्वर मेडल इन ग्रैंड, सॉरी, हु वॉन सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स इन मोरक्को? सो मैंने आपका काम आसान कर दिया यहाँ पे, मैंने उन सर की फोटो लगाई है, नाम भी थोड़ा सा दिख रहा है। सो इनका नाम था देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ थी कि हमारे, आप उनको तो जानते ही होंगे, वो विश्वनाथन आनंद, जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, चेस से रिलेटेड थे, सबको पता होगा। लेकिन अभी रिसेंटली 76th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उनका सरनेम भी सेम है, विश्वनाथन आनंद। इनका नाम है प्रणव आनंद। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है? 76th चेस ग्रैंड मास्टर होने हैं प्रणव आनंद। ये है प्रणव मास्टर, इन्हें द गोल्डन ग्रैंड मास्टर भी बोला जाता है। और राइट, ठीक है, 15 सितंबर को वर्ल्ड यूथ अंडर 16 ओपन चैंपियनशिप में जीते थे। चकड़ा एक्सप्रेस किसकी बायोपिक है? इसकी शायद मैं फोटो लगाना भूल गया। चकड़ा एक्सप्रेस किसकी बायोपिक है? अगर इसकी बात करेंगे तो चकड़ा एक्सप्रेस आपकी झूलन गोस्वामी की बायोपिक है। किस कौन काम कर, इसमें अनुष्का शर्मा काम कर रही है, मतलब बायोपिक जो ये नेटफ्लिक्स पे आएगी। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ट्रॉफीज फिलहाल में हुई हैं, ये पहचाना होगा आपने, ये है ड्यूरेंट कप। ड्यूरेंट कप किस में होता है? फुटबॉल में। कौन जीता था? किसमें जीता है? बेंगलोर FC किसे हराकर? मुंबई FC को हराकर, डिफीटेड मुंबई FC, ये जीते हैं वो, ठीक है? ये है आपका लेवर कप, लिखा भी है इसमें लेवर कप। ये आपका टेनिस में होता है, इसमें टीम वर्ल्ड वॉन किसे हराया था? अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो एक सेकेंड। टीम वर्ल्ड जीती वन, किसे हराया था? डिफीटेड टीम यूरोप। और आगे बढ़ते हैं, आपकी दिलीप ट्रॉफी रिसेंटली हुई है, ये सबको पता होगा क्या?
किससे रिलेटेड होती है बताने की जरूरत ही नहीं है। इसमें बेसिकली वेस्ट जोन जीती है, किसे हराया है, साउथ जोन को, डिफीटेड साउथ जोन। डिफेंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। हाँ सो हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सरसाइज मार्क द फर्स्ट जॉइंट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट बाय इंडिया एंड नाइजीरिया इन सपोर्ट ऑफ एंटी पायरेसी ऑपरेशन इन द जी ओ जी। जी ओ जी मतलब गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है, तो जैसे कि अजय तो हो नहीं सकता, अजय के बारे में यहाँ दूसरी न्यूज़ दी है, तो आई एन एस तरकश है। ठीक है, आई एन एस अजय क्यों न्यूज़ में है, ये डिकमीशन हुई है, ये जैसे कि इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाया है। ये 32 साल की सर्विस देने के बाद आई एन एस अजय डिकमीशन हुई है। आई एन एस तरकश का फर्स्ट जॉइंट ऑपरेशन हुआ है इंडियन नाइजीरिया के बीच, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, कहाँ पे, गल्फ ऑफ गिनी। वज्र प्रहार क्या है, यूएस और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। आई एन एस निस्तर एंड निपुण क्या है, ये जानना जरूरी है आपका, ये अभी अभी लॉन्च हुई है, मतलब रिसेंटली लॉन्च में गिना जाएगा। ये दो निस्तर अलग है, निपुण अलग है, आई एन एस निस्तर, आई एन एस निपुण, ये दो टू डाइविंग सपोर्ट वेसल है। इनसे बेसिकली कोई युद्ध वगैरह में, ये मेन इनका काम डाइविंग के लिए किया जाएगा। और इसे बनाया किसने, इसे बनाया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। और ये है कहाँ, शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में है। और मेनली इस आईएनएस निस्तर और आईएनएस निपुण को डीप सी डाइविंग ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, ये आईएनएस तरकश गल्फ ऑफ गिनी में जो हुआ है, ये डिकमीशन हुई है। आईएनएस अजय निस्तर निपुण, ये टू डाइविंग सपोर्ट वेसल्स ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट आर्मी हॉस्पिटल, वॉट वॉज इट फॉर। इट फॉर बेसिकली इट वॉज डेडिकेटेड टू चिल्ड्रंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल, मतलब जो आर्म्ड फोर्सेज में जॉब कर रहे हैं उनके बच्चों से रिलेटेड है, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं। आई होप समझ रहे होंगे आप। ठीक है, उनसे रिलेटेड है प्रयास, जो आर्म फोर्सेस पर्सनल के बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं, स्पेशली एबल्ड, उन लोगों के लिए है। ठीक है, एक आपका 36th ट्राई सर्विसेज, 36th ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, ये काफी न्यूज में थी। कॉन्फ्रेंस साउथ कहेंगे से, टीएससीसी भी आ सकता है एग्जाम में। ट्राई सर्विसेज कमांडर कॉन्फ्रेंस कौन सा एडिशन, 36th। एडिशन साउथ टीएससीसी। ठीक है, कहाँ हुई है, ये हुई है पोर्ट प्लेयर में। पोर्ट प्लेयर में अगर हुई है तो ये अंडमान निकोबार की कमांड के अंडर में हुई है, अंडर अंडमान एंड निकोबार कमांड। इसका एम क्या है, एम किसका, एम इसका मतलब जो ये अभी हुई है, इसका एम क्या है, इसका एम है सुपरवाइजिंग कलेक्टिव स्ट्रेंथ
कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज। ऑफ इंडिया इंडियाज आप कहेंगे क्या बोलते से लिटोरल सर्विसेज एंड इंटीग्रेटेड सर्विस के बारे में। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख लीजिएगा तो दिमाग में बने रहेगा क्या रीज़न है इसका, मतलब क्या एम है इसका। ठीक है, सो हियर वो अच्छा ये 36 ट्राई सर्विस कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि पोर्ट ब्लेयर में आपको बताया मैंने अंडमान निकोबार के अंडर में हुई है, अंडमान निकोबार कमांड के अंडर, और ये प्रयास। ठीक है, लेते हैं ये वाला ही लेते हैं। ठीक है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड एमओयू, एमओयू मैं आपको बता चुका था, एक और बार आ गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दो बैंक से इन्होंने कोलैब किया है, कौन कौन सी है, एक एचडीएफसी और दूसरी बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल। तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये क्यों हुआ है, ये हुआ है स्पर्श, स्पर्श आपको नहीं पता पिछला वीडियो देखिएगा मेरा, स्पर्श एक इनिशिएटिव है, स्पर्श रक्षक, ये वेबसाइट बनाई है कि जितने भी आपके आर्मी के लोग हैं उन्हें जो पेंशन मिले बिना इंटरमीडियरी के डायरेक्ट उनके खाते में पहुंच जाए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने दो बैंक से कोलैब किया है, एक एचडीएफसी बैंक, एक है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अंडर स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव। रिसेंटली डीआरडीओ कंडक्टेड सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल फ्रॉम अ ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। ये क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी कराया था, उसका आंसर भी सेम था। ठीक है, पहले पिछले क्वेश्चन की बात करें कि इस क्वेश्चन की बात करें, पिछले क्वेश्चन की बात करें तो वो एक सिक्स फ्लाइट टेस्ट था जो यहीं पे आईटीआर चांदीपुर, चंडीपुर या चांदीपुर क्या बोलेंगे, यहाँ हुआ था। ठीक है, उड़ीसा के कोस्ट में, उड़ीसा कोस्ट। ठीक है, और ये आप इसकी फुल फॉर्म अगर नहीं आई हो तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आई होप आ गया हो। और हाँ, आईटीआर का भी बता दूँ मैं आपको, ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। भैया आपको समझ में नहीं आया होगा क्या चीज़ के लिए है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा को, ये आपको एक्चुअली समझ में नहीं आया होगा। ये जो सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट हुई है कि आपकी हुई है मैन पैड, मतलब मैन पोर्टेबल। आई नो कंफ्यूजिंग होगा ये, बट आपको मेन टर्म्स याद रखने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, रटना भी नहीं है, समझ में आना चाहिए। और ये डिज़ाइन किया है, एक तो डीआरडीओ की एक ब्रांच है आपकी, कहाँ पे थी, हैदराबाद में, आरसीआई, आरसीआई आप ऐसे लिख लिए, मैं आ नहीं लिख पा रहा, तो रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, और प्लस बाकी भी डीआरडीओ, अदर डीआरडीओ, और प्लस कुछ आपके कह लेंगे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं। ठीक है, इनकी मदद से ये सब किया गया था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, आईटीआर की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज।
कहाँ हुआ था चांदीपुर रिसा कॉस्ट, किस लिए हुआ था मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, इसका एम था। डीआरडीओ किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने, आरसीए मतलब रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद, प्लस कोलैब किया है इन्होंने डीआरडीओ की अदर ब्रांचेस से और कुछ इंडस्ट्रियल पार्टनर्स। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये था P-1 लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन एक्स काकड़ू 2022 होस्टेड बाय, ये सबको पता होगा, ये नहीं पता तो क्या पता भाई। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एक्सरसाइज काकड़ू हम दोनों के बीच में होती है। ठीक है हम दोनों मतलब ऑस्ट्रेलिया हमारे बीच, इन कहाँ पे हुआ था ये, डार्विन में अलोंग विद INS सतपुड़ा। ऑलराइट आगे बढ़ा। तो ये था रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडिया। हु एज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, शायद आपने देखो ये बंगाली हैं, इनका नाम है विजय कुमार। नई अपॉइंटमेंट भी हुई है, आपने सुना होगा नए CDS कौन बने हैं, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है ये नए CDS, ये CDS के साथ सेक्रेटरी भी हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिलिट्री डिपार्टमेंट में, मिलिट्री डिपार्टमेंट में। ठीक है या बोल दो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है और जो अनिल चौहान के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले कौन थे, बिपिन रावत जनरल, तो वो भी हमारे गोरखा राइफल्स से थे और ये भी हमारे 11 गोरखा राइफल्स से हैं। ये कमीशन हुए थे इंडियन आर्मी में 1981 में, वही NDA एंड IMA में इन्होंने अपनी शिक्षा ली थी। ठीक है और ये इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे जो है, इन्हें नेपाल ने ऑनरेरी रैंक आर्मी जनरल के दिया, मतलब नेपाल की गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया के आर्मी चीफ मनोज पांडे को उनके यहाँ का एक आर्मी जनरल की क्या बोले कि उससे नवाजा गया है। ठीक है अच्छा खत्म, टू बी कंटिन्यू, नहीं लेट्स मीट अगेन विद द नेक्स्ट पार्ट, वो लास्ट पार्ट होगा शायद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।